खबर शामिल करते हैं। गढ़ा मोड़ से मंजूर अहमद जट के मुताबिक गढ़ा मोड़ में मेडिकल एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल। डॉक्टर मलिक मोहम्मद हफीज खोखर को बिला मुकाबला दूसरी मरतबा सदर मुंतखब कर दिया। डॉक्टर मोहम्मद फयाज को जनरल सेक्रेटरी और नसीम शहजाद नायब सदर मुंतखब हुए। इस मौके पर मुबारकबाद देने के लिए आए हुए प्रेस क्लब रजिस्टर्ड गढ़ा मोड़ के अहदे दौरान से गुफ्तगू करते हुए नौ मुंतखब सदर फार्मेसी एसोसिएशन गढ़ा मोड़ मलिक मोहम्मद हफीज खोखर ने कहा कि गढ़ा मोड़ मेडिकल एसोसिएशन ने दूसरी मरतबा बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया है। तमाम फार्मेसी एसोसिएशन के ऑनर्स का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और दूसरी बार सदारत का ओहदा दिया। तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा, उनका मजीद कहना था, इंशाल्लाह दोस्तों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए तमाम तर वसाइल पर हुए कार लाऊंगा और फार्मेसी एसोसिएशन गढ़ा मोड़ के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर के मुतालिक दरपेश मसाइल को हल करवाने के लिए तमाम तर तवानाइयां और कोशिशें सर्व करूंगा। नए मुंतखब होने वाले सदर ने प्रेस क्लब रजिस्टर्ड गढ़ा मोड़ के सदर हाफिज अजीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी मंजूर अहमद जट, चेयरमैन मियां मोहम्मद असगर चुगत्ता, सीनियर नायब सदर रशीद हैदर को जर इलाका के मारूफ बिजनेसमैन और गढ़ा मोड़ की दरवेश सिफ्त शख्सियत हाजी मलिक अबू बकर सिद्दीक और साबिक चेयरमैन चौधरी अजमतुल्लाह जट का शुक्रिया अदा किया जो मुबारकबाद देने के लिए खसूसी तौर पर मेरे ऑफिस तशरीफ लाए। इस मौके पर मुबारकबाद देने वाले दोस्तों को मिठाई भी पेश की गई।